हाय फ्रेंड्स, आपनको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकु साहू चैनल रे। एही क्लास रे आमे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा आम कॉन्स्टिट्यूशन रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा, 50 प्लस क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। एही क्लास रे आमे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा कॉन्स्टिट्यूशन रो। आपण जदि इंडियन पॉलिटी रो अन्य समस्त क्लास मध्ये करा जाय छि ताहा देखि नै तहले आम चैनल रो इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट को जे समस्त क्लास को देखि परबे। एवं प्रतिदिन क्लास करबा पय चाहत तहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित आम चैनल रो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होने थे डिस्क्रिप्शन को जाए जॉइन मध्य हो पारे। तेणु आरंभ करवा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मेट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा द्वारा तैयारी कराइतला, कहा द्वारा तैयारी कराइतला, यार सटीक आंसर होची कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आसीतला आम देश में 1946 मसीह। किए आसीथिले क्रिप्स, लॉरेंस एवं अलेक्जेंडर, तीन जन व्यक्ति आसीथिले एवं आम देश में कौन करते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयारी करते। आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कौन तैयारी कराइतला, आम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी कराइतला। तेणु यार सटीक आंसर कौन हम कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयारी कराला। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा आम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी कराला। यही कैबिनेट मिशन प्लान रे तीन जन व्यक्ति आसीथिले, लॉरेंस, क्रिप्स एवं अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, ऑन व्हाट डेट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोमुलगेटेड। अर्थात आम कॉन्स्टिट्यूशन केबे लागू करागला कहा जाय छी, केबे लागू करागला, यार सटीक आंसर होची 26 जनवरी 1950 मसीह। कौन करागला आम कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करागला, काहेकि लागू करागला 26 जनवरी 1950 मसीह एवं 26 नवंबर 1949 मसीह एडॉप्ट करागला एवं 26 जनवरी 1950 मसीह याकू लागू करागला। काहेकि लागू करागला, काहेकि ना 26 जनवरी 1929 मसीह कौन करते जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता सेठे जाकि कौन करते डिमांड करते कि आम कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिमांड करते। तापर 26 जनवरी 1930 आम देश में कौन कर इंडिपेंडेंस डे पालन कर रवि नदी कूल में जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी द्वारा इंडिपेंडेंस डे पालन कर 26 जनवरी 1930 मसीह। दिन ठारु प्रति वर्ष 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1931 26 जनवरी 1932 प्रति वर्ष पालन कर 26 जनवरी 1949 मसीह एडप्ट करा लागू करागला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रथम मीटिंग केबे होइतला 9 डिसेंबर 1944 मसीह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रथम मीटिंग होइतला। काहेकि होइतला, यह कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करबा पई होइतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, इन व्हिच ईयर डिड इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक। केबे आम देश रिपब्लिक होइतला बा स्वाधीन होइतला 1950 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड ऑन। आम कॉन्स्टिट्यूशन को केबे एडॉप्ट करागला कहा जाय छी, एडॉप्ट केबे करागला, केबे करागला 26 नवंबर 1949 मसीह एडॉप्ट करागला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर। आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर माने केमिति आसीथिले आम देश में, नॉमिनेट होइथिले ना इलेक्टेड होइथिले ना केमिति होइथिले, यार सटीक आंसर हबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर माने इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। इमाने कोठारो इलेक्ट होइथिले, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली रो इलेक्ट होइथिले, से माने एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोसेस रे इलेक्ट होइ नथिले, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली रु ही से माने इलेक्ट होइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हाट वाज द इनिशियल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आमर केते जण मेंबर थिले जेते बेले आम कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करागला सेही समय रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे केते जण मेंबर थिले, केते जण मेंबर थिले 389। यार सटीक आंसर होची 389 मेंबर थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु इज कन्सीडर टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आम कॉन्स्टिट्यूशन रो के आर्किटेक्ट अटंती, के अटंती, बी आर अंबेडकर अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1944 मसीह जिते आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रथम मीटिंग होता से प्रथम प्रेसिडेंट किए थे किए नहीं किए नहीं सच्चिदानंद सेना। सच्चिदानंद सेना से मीटिंग को नहीं थे तहार प्रेसिडेंट थे और सच्चिदानंद सेना किए अटंती फास्ट टेम्पररी चेयरमैन थे आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा,
द आइडिया अफ द कन्स्टिट्युएंट असेंबली फर इंडिया वाज पुट फरवर्ड फास्ट टाइम इन 1934 बाय कन्स्टिट्यूशन रईडा आइडिया 1934 मसीह किए दे आम देश में गोटे कन्स्टिट्यूशन है 1934 मसीह किए दे यार सठिक आंसर हूँ एम एन राय देते कन्स्टिट्यूशन आइडिया देते से किए थे सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी अफ इंडिया फाउंडर थे से बांती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ह्विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा केबे सर्वप्रथमे कौन कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो डिमांड कर कॉन्स्टिट्यूशन रो डिमांड कर 1935 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन ह्विच ईयर डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिमांड फॉर फॉर्मिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फर्स्ट टाइम आम देश में गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करने ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सेप्ट करा एक्सेप्ट करा ग्रहण करगस्ट अफर करगस्ट अफर के 1940 मसीह अगस्ट अफर में ब्रिटिशर मैंने कौन करेंगे यहाँ एक्सेप्ट करते ग्रहण करते आम देश में गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा रोजली वन सीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एलोकेटेड टू हाउ मेनी पॉपुलेशन गोटे सीट पर कते पॉपुलेशन 389 मेंबर थे एथिपाई 389 कौन थी अर्थात गोटे मेंबर पर कते पॉपुलेशन को जड़े होता इलेक्ट के 1 मिलियन 1 मिलियन पॉपुलेशन रे जड़े इलेक्ट होता तेणु यार सठिक आंसर कौन हम 1 मिलियन इज्कवल टू के 10 लक्ष तेणु 10 लक्ष यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर केमी आसते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर माने किछि आमर नॉमिनेट होइथिले प्रिंसिपल स्टेट रु एवं किछि इलेक्टेड होइथिले को जगार प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली रु तेणु किछि इलेक्टेड एवं किछि नॉमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हाउ मेनी सीट वेयर ओन बाय मुस्लिम लीग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्शन होइथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रथम इलेक्शन होता से मुस्लिम लीग केतेटी सीट जीति थिला यार सठिक आंसर हो 93 सीट जीति थिला मुस्लिम लीग 73 ना 73 जीति थिला 93 प्रिंसली स्टेट रु आसी थिले एवं 296 जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रु इलेक्ट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यह मध्य किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर नथिले एग्जाम रे आसी थाए ए क्वेश्चन रे बारंबार आसुची किए थे महात्मा गांधी नथिले ता सहित मोहम्मद अली जिना ए दुई जन कोन थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर नथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो किए प्रेसिडेंट थिले किए थे यार सठिक आंसर हूँ राजेन्द्र प्रसाद थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट थिले परमानेंट प्रेसिडेंट थिले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो वाइस प्रेसिडेंट किए थे दुई जन थिले यार सठिक आंसर हम एस सी मुखर्जी और भिटी कृष्णामाचारी ए दुई जन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो वाइस प्रेसिडेंट थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ऑन व्हिच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तार प्रथम मीटिंग केबे होइतिला 9 डिसेंबर 1946 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ऑन व्हिच डेट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन असेंबली बाय जवाहरलाल नेहरू केबे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होइतिला जवाहरलाल नेहरू को द्वारा 13 डिसेंबर 1946 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द माउंट बेटन प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्टीशन प्लान ऑन व्हिच डेट माउंट बेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस अर्थात माउंट बेटन प्लान केबे आसीथिला आम देश में 3 जून 1947 मसीह यह द्वारा कौन होता इंडिया एवं पाकिस्तान रो डिवाइड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट इज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सिंबल कौन थिला इलेफेंट थिला बा हम कॉन्स्टिट्यूशन रो सिंबल कौन थिला
इलेफेंट थिला तेणु आम कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कहुए इलेफेंटियन कॉन्स्टिट्यूशन कहुए कहीं कहुए कहीं सबु देश आम देशर संविधान हो सबुठ बड़ संविधान से आम देशर संविधान सिंबल कौन देता इलेफेंट बा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फर्स्ट टाइम पुन स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे केबे आम देश में कौन कर पुन स्वराज डे को पालन करागला केबे पालन करागला 26 जनवरी 1930 रवि नदी कूल में पुन स्वराज डे बा स्वाधीनता दिवस रूपए पालन करागला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन फादर क्या कहे बा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहे बी आर अंबेडकर को कहे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ फंडामेंटल सब कमिटी आमर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करने कि कमिटी तैयारी कराइला फंडामेंटल सब कमिटर हेड बा तार प्रेसिडेंट किए थे किए थे जे बी कृपालिनी थे ये फंडामेंटल सब कमिटर प्रेसिडेंट थे आम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करने कि कमिटी तैयारी कराइला। ड्राफ्टिंग कमिटी हेड हाउ मेनी मेम्बर्स आमर ड्राफ्टिंग कमिटी केतेज मेम्बर थे यार सठिक आंसर होती 7 जन मेम्बर थे ड्राफ्टिंग कमिटी यहाद्वारा कौन कर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी कराइला से बी आर अंबेडकर हेड थे। हाउ मेनी वुमेन मेम्बर वेयर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी से महिला मेम्बर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे मैक्सिमम ये क्वेश्चन टी आसुची रिपीटेड हो क्वेश्चन टी 15 जन थे महिला मेम्बर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आम ड्राफ्टिंग कमिटी तार चेयरमैन किए थे ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा कौन कर आम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी कराइला तार चेयरमैन थे बी आर अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किए थे यह मध्य किए ड्राफ्टिंग कमिटर मेंबर नी एके आयर के मुंशी मोहम्मद सौल्ला बा जवाहरलाल नेहरू किए ना जवाहरलाल नेहरू नथिले ड्राफ्टिंग कमिटर मेंबर नथिले एथिरे 7 जन मेंबर थिले एवं बी आर अंबेडकर कौन थिले यार चेयरमैन थिले एवं यह द्वारा कौन कराइला आम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी कराइला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी आमर फंडामेंटल राइट एवं माइनॉरिटी कमिटर तार चेयरमैन किए थे किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले तार चेयरमैन थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी आमर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यार चेयरमैन किए थे यार चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर कंडक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे केतेटी सेशन होता केतेटी सेशन होता 11 यार सटिक आंसर हम 11 सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा टू प्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक अर्थात आम कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करने के समय नहीं 2 वर्ष 11 मास एवं 18 दिन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन आपण यहाँ एमती मन रखु 3 वर्ष -12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हाउ मेनी पार्ट्स आर दे आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन केते पार्ट्स अच्छी 25 पार्ट्स वर्तमान 25 पार्ट्स अच्छी आगु 22 वर्तमान 25 अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट किए थे परमानेंट प्रेसिडेंट किए थे राजेन्द्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 सीजन हेल्ड आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो डिमांड करा जितला इस सेशन टी को जगह रे होइतला इंडियन नेशनल कांग्रेस रो 1936 को जगह रे होइतला लखनऊ रे होइतला या गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द मोस्ट प्रोपाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे अधिक भूमिका कहार थिला बा कहार अधिक इन्फ्लुएंस थिला कहार थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एवं आपड़ जब लाइक करना तेल लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करना तेल ताकि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट द नेशनल एंथम आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
आमर नेशनल एंथम को केबे एडॉप्ट करितला केबे करितला 24 जनवरी 1950 मसेरी एवं एठारे के गाई थिले आमर जे बी कृपलानी एठारे गाई थिले 24 जनवरी 1950 मसेरी नेशनल एंथम को एडॉप्ट करितला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रथम सेशन को जगह रे होइतला को जगह रे दिल्ली थारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमराल कहा द्वारा आम इंडियन लेजिस्लेचर कौन होता बाई कैमराल होता लोकसभा राज्यसभा जमीक विधानसभा विधान परिषद अच्छे यही होता है दुई भाग होता कहा द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट द नेशनल सॉन्ग आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल सॉन्ग को केबे एडॉप्ट करितला 24 जनवरी 1950 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु इज द चेयरमैन ऑफ रूल्स कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे रूल्स कमिटी थी जेकि रूल गुड़ी तैयारी करूला तार चेयरमैन किए थे प्रेसीडेट किए थे राजेन्द्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नॉमिनेटेड मेंबर आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते जन नॉमिनेट मेंबर थे एवं से माने को जगह रहते प्रिंसली स्टेट रहते 93 जन मेंबर राजाघर मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट प्रिंसली स्टेट व्हिच मर्ज विथ इंडिया आम देश सहित क्यों प्रिंसली स्टेट टी क्यों राजाघर टी आसी मर्ज होता क्योंटा हैदराबाद एवं हैदराबाद राजा कौन करूते से आम देश सहित मिसेवाई चाहू नौले आम देश स्वाधीन है से कौन करूते से पुणी शासन करने लोक लोक मान चाहूली एवं यहाँ सर्दार वल्लभ भाई पटेल और भिके कृष्णा मेनन जाकि कौन ऑपरेशन पोलो करके आनी मिसेते क्या हैदराबाद को निजाम ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बोरोड फ्रॉम आमर फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन किए थे सजिदानंद सेना थे आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन थे यहाँ को जगार नि को जगार नि यार सठिक आंसर है फ्रेंच रिवल्यूशन रु फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रु कौन कर एज मैक्सिमम थाए ताक चेयरमैन कर दि जाए तेणु सचिदानंद सेना अधिक एज थी तेणु तक चेयरमैन कर फ्रेंच रिवल्यूशन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रु। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु इज द चेयरमैन व्हेन पार्लियामेंटरी वर्क इज डन आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंटरी वर्क जिते बिल कार्य होता से समय तार चेयरमैन किए थे यार आंसर आप गए आप कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु आज द इंग्लिश कैलीग्राफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर इंग्लिश कैलीग्राफर किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए थे इंग्लिश कैलीग्राफर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करने किसी कैलीग्राफर नि सुंदर सुंदर जार लिखबार तेणु इंग्लिश किए थे कैलीग्राफर किए थे प्रेम बिहारी रायजादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी फ्रंटियर गांधी क्या कहुए खान अब्दुल गफर खान को कौन कहुए फ्रंटियर गांधी कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा कौन कराइला कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी कराइला एथेर सात जन मेंबर थे चेयरमैन किए थे बी आर आंबेडकर एमधर किए तार मेंबर नथिले कहुए किए मेंबर नथिले महात्मा गांधी एमधे नथिले के एम मुंशी एन गोपाल स्वामी एवं डीपी खैतान थे कि महात्मा गांधी यार मेंबर नथिले कहार ड्राफ्टिंग कमिटी रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आम देशर प्रथम प्राइम मिनिस्टर किए थे यार आंसर आपंटे यार आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ और लाइक करना लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करना करूँ ता सहित आम चैनल टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन नहीं डिस्क्रिप्शन को जॉइन करेंगे और अन्य समस्त क्लास देखापी प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे तेणु थैंक यू।